भी की बात करें तो प्लान भी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा और प्लस वीडियोस मिल जाएगा। तो इसमें आपको दोस्तों कॉस्ट पड़ेगा ₹250 का। यदि हम प्लान सी की बात करें दोस्तों तो प्लान सी में केवल और पीडीएफ मिलेगा और थ्योरी एमसीक्यूज का, ठीक है, और प्लस वीडियोस आपको मिल जाएगा। सो प्लान सी विल कॉस्ट ₹199। और दोस्तों प्लान डी की बात करें जिनको केवल 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रिपेयर होना है, और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में दोस्तों मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, तो आपको यदि वो प्रिपरेशन करनी है तो ₹89 आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें 8292857381। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर इन चारों प्लानों के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और कैसे ऑप्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये चार प्लान मैंने आपको बताए, इसमें दोस्तों मैंने नया चीज़ ऐड किया है वो टेलीग्राम एमसीक्यू डिस्कशन। इसमें दोस्तों 6 दिन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उसके अलावा दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट टू माय चैनल सीआईबी मेड सिंपल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मॉड्यूल बी के, अपने रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के एक टॉपिक को जो कि बेस्ड है हमारा रिटेल प्रोडक्ट पे। दोस्तों हम लोग जो जो रिटेल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल प्रोडक्ट को। तो रिटेल प्रोडक्ट के अंदर देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ऐसा है कि कस्टमर का जो सेगमेंटेशन किया गया है, सेगमेंटेशन आप लोग समझते होंगे, उन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है, उनके इनकम लेवल पे, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक सेगमेंटेशन जो कस्टमर का किया गया है वो उनके इनकम लेवल पे किया गया है। और वो इनकम लेवल पे कैसा सेगमेंटेशन है आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ देखिए इनकम लेवल इन रुपीज़ लाख लिखा हुआ है, लाख रुपया में, और एक तरफ लिखा हुआ है कस्टमर का सेगमेंट। तो देखिए जिनका इनका इनकम 2 से 10 लाख के बीच में है वो आते हैं हमारे मास मार्केट में। जिनका इनकम 10 से 15 लाख के बीच में है वो आते हैं मास एफ्लुएंट में। जिनका इनकम 50 से 400 लाख के बीच में है वो आते हैं सुपर एफ्लुएंट में। और 400 से 4000 के बीच के इनकम लेवल वाले आते हैं हाई नेटवर्थ, HNW यानी कि हाई नेटवर्थ। और फिर उसके बाद 4000 से लेके 1,20,000 का जो इनकम लेवल है रुपीज़ लाख में वो आते हैं सुपर हाई नेटवर्थ में। और फाइनली एवव 1,20,000 का जिनका इनकम है वो आते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से कस्टमर का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप लोगों को इस क्लासिफिकेशन को याद करना है। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मास मार्केट वाले इनका इनकम लेवल बताओ, सुपर एफ्लुएंट वाले का इनकम लेवल बताओ, या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ का इनकम लेवल बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है कि जो पहला 3 सेगमेंट है हमारा, मास मार्केट हुआ, मास एफ्लुएंट हुआ और सुपर एफ्लुएंट हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है रिटेल बैंकिंग के इनिशिएटिव के परस्पेक्टिव में। ये जो मास मार्केट है, ये मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हमें जो डील करना है वो इन्हीं सभी सेगमेंट से डील करना है। ये जो हाई नेटवर्थ है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ है या सुपर हाई नेटवर्थ है, ये सब आप जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के आते हैं। हमें रिटेल बैंकिंग डिस्कस करना है तो वी विल डिस्कस ओनली दीज 3, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट एंड सुपर मार्केट। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कस्टमर के बारे में कुछ एजम्पशन माना गया है, देयर इज समथिंग एजम्पशन अबाउट कस्टमर। वो क्या क्या एजम्पशन है आइए देखते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है कि कस्टमर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा है क्या कि कस्टमर के पास जो है अलग सेट ऑफ नीड है उसके फाइनेंशियल सर्विस के लिए। कस्टमर विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर उसके बाद क्या है कि कस्टमर को ग्रुप कर सकते हैं हम लोग उनके इनकम के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके ज्योग्राफी के बेसिस पे और उनके प्रोफेशन के बेसिस पे। तो ये सब कुछ बेसिक एजम्पशन है कस्टमर से रिलेटेड। पहला कि वो डिफरेंट हैं, अलग हैं, उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ नीड्स हैं, उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं हम लोग उनके इनकम पे, उनके एज पे और उनके ज्योग्राफी पे बेसिस पे। आइए ये था हमारा कस्टमर से रिलेटेड एजम्पशन। अब हम लोग बात करते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। देखिए दोस्तों मैस्लो एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा एक हायरार्की दिया गया था जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड था। आइए उसे डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि मैस्लो थ्योरी क्या कहता है। मैस्लो का जो नीड थ्योरी है वो कहता है, वो समझाता है कि कैसे एक पर्सन मोटिवेट होता है उसके नीड के बेसिस पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। हाउ अ पर्सन इज मोटिवेटेड बेस्ड अपॉन हिज नीड्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पर्सन का नीड ही उसका मोटिवेशन फैक्टर होता है, ऐसा कहता है हमारा मैस्लो थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें राइट लेफ्ट साइड में नीड लेवल है
और राइट साइड में है मैचिंग बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नीड लेवल एंड मैचिंग प्रोडक्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, नीड लेवल में सबसे पहला जो नीड है वो है हमारा साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड में देखिए क्या कहा गया है कि साइकोलॉजिकल नीड में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, आइए उसे देखते हैं। पूर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन, ये सब के सब हमारे क्या आते हैं, साइकोलॉजिकल नीड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी नीड। दोस्तों सिक्योरिटी नीड हो या सेफ्टी नीड हो, उसके अंदर देखिए क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे एंडोमेंट प्रोडक्ट हुआ जिसका प्रीमियम कम है, या लॉन्ग टेनर प्रोडक्ट हो, टैक्स प्लानिंग हो, इंश्योरेंस हो, या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हो, ये सब के सब हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड वाले लेवल में आती है। दोस्तों आइए थर्ड लेवल पे हम लोग देखते हैं सोशल नीड। सोशल नीड में आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, रिटेल गुड क्वाइन, लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फॉर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, तो ये सब के सब हमारे सोशल नीड में आते हैं। कंज्यूमर, पर्सनल, होम, कार, रिटेल लोन, ये सब के सब हमारे सोशल नीड में आते हैं। और चौथा है हमारा स्टीम नीड। स्टीम नीड में क्या आता है दोस्तों, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सेकेंड हाउसिंग लोन, होम डेकोर लोन, ये सब के सब स्टीम नीड में आते हैं दोस्तों। और पांचवा में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या क्या आता है, पेंशनर लोन, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस, ये सब के सब हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने चार तरह के नीड देखे, पांच तरह के नीड देखे यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये पांचों नीड को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके अंदर कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट आते हैं ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रोडक्ट आखिर कैसे डेवलप होता है, उसके इंटायर प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसके पास कैपेसिटी हो क्या कि वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, उसका यूज हो और उसका जो रिटर्न हो, जो देखिए वो रिटर्न दे जो कि कस्टमर डिजायर करता है, कस्टमर जो चाह रहा है वो रिटर्न दे, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि क्या क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, उसका यूज हो और जो रिटर्न कस्टमर डिजायर कर रहा है वो प्रोवाइड करे, तो ऐसा किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उस लाइफ साइकिल में, आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने, इस चार्ट से आपको क्लियर होगा। इस चार्ट में देखिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे सेल को दर्शाया गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को दर्शाया गया है। और ये चार्ट देखिए, ये जो ग्राफ है ये पहले राइज किया और फिर सडनली डाउन हुआ, तो इसके अंदर चार स्टेज है दोस्तों। सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है ग्रोथ, उसके बाद है मैच्योरिटी और उसके बाद है डिक्लाइन। तो ये चार स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कर्व कहते हैं इसे हम लोग। आइए इन चारों स्टेज को एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। देखिए इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आप ग्राफ से समझ सकते हैं दोस्तों। आप जरा देखिए ग्राफ से खुद समझिए, वाई एक्सिस पे क्या दर्शाएं हम लोग, सेल। अब देखिए सेल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें सेल का वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है, वो भी सफिशियंट नहीं होगा कि हम लोग उसके कॉस्ट को कवर कर पाएँ या उसके मार्केटिंग को कवर कर पाएँ। ऑब्वियस बात है दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट होगा किसी प्रोडक्ट का, तो उस कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाता है यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम कम होने के कारण जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब ये हमारा प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो हमारा है ग्रोथ स्टेज। कौन सा स्टेज है दोस्तों, ग्रोथ स्टेज। तो इसमें क्या हुआ कि सेल का जो वॉल्यूम है वो पिकअप किया, आप देखिए यहाँ तक। इसके बाद जो ये वाला जो रीजन है जिसे मैं सेट कर रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रोथ स्टेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेल का वॉल्यूम है वो क्या हुआ, पिकअप हुआ, बढ़ा, ओके। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट लाइकली टू ब्रेक इवन। आप लोग पढ़े होंगे ब्रेक इवन के बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है। तो एक ऐसा स्टेज, इस स्टेज के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ब्रेक इवन रीच होता है दोस्तों। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रॉफिट का जनरेशन होता है, यहाँ से प्रॉफिट जनरेशन शुरू होता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट जनरेशन यहाँ पे शुरू होता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे आखिर वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे प्रॉफिट जनरेशन शुरू होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो हमारा सेकंड स्टेज है, यानी कि ग्रोथ स्टेज है। ग्रोथ स्टेज के बाद बात आती है हमारी थर्ड स्टेज की, जो कि है हमारी मैच्योरिटी स्टेज।
तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है और इसमें सेल वॉल्यूम पीक पे रहता है। आप देखिए यहाँ मैच्योरिटी स्टेज में क्या है कि जो हमारा सेल वॉल्यूम है वो पीक पे है, यहाँ देख सकते हैं टॉप टॉप मोस्ट पोजिशन पे है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जो सेल का वॉल्यूम होगा वो पीक पे होगा। इसके कारण क्या होगा कि सेल का मैक्सिमाइजेशन होगा, कस्टमर का वाइड कस्टमर बेस होगा हमारा, कस्टमर दूर दूर तक रहेंगे, इसके कारण सेल क्या होगा मैक्सिमाइज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सामान है हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी स्टेज का एक एडवांटेज है और इसका एक खासियत है, फीचर है। और फोर्थ स्टेज है हमारा इसमें सेचुरेशन स्टेज। अब क्या होगा कि ये स्टिलनेस होगा विजिबल। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन है मार्केट में या जो प्रोडक्ट हमने बनाया उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट यदि अवेलेबल है मार्केट में, इसके कारण क्या होगा कि स्टिलनेस अवेलेबल होगा और हमारा जो प्रोडक्ट स्टेज है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सेचुरेट कर जाएगा। तो ये हमारा चौथा स्टेज है सेचुरेशन स्टेज। और लास्ट स्टेज जो हमारा है दोस्तों वो है डिक्लाइन स्टेज। अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो सेचुरेशन के बाद लेस अट्रैक्टिव होने लगेगा, उसका उसका जो चमक था उसके अंदर उसका जो आकर्षक था वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब किसमें, कंज्यूमर में, कंज्यूमर के बीच उसकी जो आकर्षक थी वो कम होने लगेंगे। अब इसके कारण क्या होगा कि सेल का जो वॉल्यूम है या जो प्रॉफिट है वो सब के सब घट जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पाँच स्टेज देखा यहाँ पे। ये सेचुरेशन तो यहाँ में हमने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी एक बीच में सेचुरेशन भी जोड़ लेते हैं, यहाँ सेचुरेट कर गया। बेसिकली चार ही स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में वॉल्यूम पिकअप हुआ, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैच्योरिटी में एक पीक पे रीच हुआ और डिक्लाइन में तो गिरना ही लगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। मैंने हर एक को इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुक में तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उनमें से जो काम का चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही लेसन को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। CIB मेड सिंपल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटेल बैंकिंग, और रिटेल बैंकिंग में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 को। दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसे मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और यूनिट 7 जो है वो बेस्ड है हमारा इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो रिटेल एसेट नामी है रिटेल बैंकिंग, तो हम लोग देख रहे हैं कि बैंक के कौन कौन से रिटेल एसेट हैं और उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस लेसन में हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए है तो और भी रिटेल एसेट प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं लेकिन इस लेसन में समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल दो ही एसेट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से पहला जो है वो है हमारा होम लोन और दूसरा जो होगा वो हमारा व्हीकल लोन होगा। दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप जो मैं समझा रहा हूँ अगले 10 मिनट में उसे आप यदि ध्यान से समझें और उसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एज़ फार एज CIB इज कंसर्न, CIB के एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है। तो दोस्तों ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद खुद पे अप्लाई किया था और मुझे रिटेल बैंकिंग में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, शुरुआत करते हैं होम लोन से। आइए देखते हैं कि होम लोन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्वांटम ऑफ लोन। तो देखिए क्वांटम ऑफ लोन यानी कितना लोन दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन पर्पज से या हाउस खरीदने के पर्पज से या फ्लैट खरीदने के पर्पज से, ये तीन चीज़ होते हैं। ठीक है, तो कोई अपर सीलिंग नहीं है, बहुत सारे बैंकों में कोई अपर सीलिंग नहीं है कि इतना इतना ही तक ही देना है, कोई अपर सीलिंग नहीं है। लेकिन कुछ केसों में क्या है जैसे रिपेयर हुआ, रिनोवेशन हुआ, ठीक है, किसी प्लॉट का रिपेयर करना या रिनोवेशन करना, तो उस केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। तो इसके लिए हम लोग कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वांटम ऑफ लोन का कोई फिक्स लिमिट है नहीं, ठीक है, वो डिफरेंट बैंक में डिफरेंट है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा नेट टेक होम पे। तो जितने भी डिडक्शन होते हैं, ठीक है, तो डिडक्शन होने के बाद जो नेट टेक होम पे है वो 40% ग्रॉस मंथली सैलरी से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, वैसे मान लीजिए कि ग्रॉस है 1 लाख, तो 1 लाख का 40% कितना होगा, 40,000 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिडक्शन है, ठीक है दोस्तों, तो डिडक्शन जो है वो 40K से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला केस है। और यदि कोई हाई इनकम एप्लीकेंट है तो उनका जो है 15% तक भी उनको रिलैक्सेशन दिया गया है किसी बैंक कुछ बैंक के द्वारा। चलिए ये था नेट टेक होम पे में। अब आती है अगली बात मार्जिन की। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो पहला हाउस के लिए जो मार्जिन है वो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने तीन तीन कॉलम बनाए हैं। पहला में अमाउंट है,
दूसरा में मार्जिन का परसेंट है और तीसरा में LTV है। दोस्तों मार्जिन तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो अमाउंट जो कि बॉरोअर को लोन लेते वक्त पे करनी होती है, उसे ही हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो देखिए अमाउंट यदि 30 लाख से कम हो तो मार्जिन का जो अमाउंट है वो है 10% और लोन टू वैल्यू का जो वैल्यू है वो है 90%। ये जो यहाँ लोन टू वैल्यू दिया गया ये मैक्सिमम है दोस्तों, ये मैक्सिमम LTV को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यदि देखिए 30 से 75 लाख के बीच में हमारा अमाउंट है तो उस केस में मार्जिन है 20% और लोन टू वैल्यू कितना है 80%। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये दूसरा ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए यदि मार्जिन 10% है तो लोन टू वैल्यू क्या होगा 90% होगा, यदि मार्जिन 20% है तो लोन टू वैल्यू कितना होगा 80% होगा, और यदि 75 लाख से ऊपर का यदि अमाउंट है तो मार्जिन 25% होगा और लोन टू वैल्यू कितना होगा 75%। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे मार्जिन का भी वैल्यू बढ़ रहा है और वैसे वैसे लोन टू वैल्यू का जो रेशियो है वो घट रहा है। तो ये इस चीज़ को आप यहाँ पे इस चार्ट से नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन है अमाउंट मार्जिन और लोन टू वैल्यू के बीच में। आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट है यदि वो 10 लाख से ज़्यादा है ठीक है तो चार्जेस जो होते हैं जो भी चार्जेस होते हैं उसे हम लोग नहीं ऐड करते हैं हाउसिंग प्रॉपर्टी के कॉस्ट में। चलिए ये था तीसरा पॉइंट का डिस्कशन। हम लोगों ने मार्जिन को अच्छे से समझ लिया, देख लिया कि कैसे वो अमाउंट पे डिपेंड करता है और किस किस अमाउंट के लिए कितना मार्जिन हम लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देखते हैं इंटरेस्ट पे, आखिर इंटरेस्ट का क्या नेचर है, जो इंटरेस्ट होम लोन पे कैलकुलेट की जाती है वो किस तरह की होती है। तो दोस्तों इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग नेचर का होता है ठीक है। वो किससे लिंक होता है, वो बैंक के बेस रेट से लिंक होता है ठीक है, चाहे वो पर एनम हो या मंथली रेट हो। तो इंटरेस्ट का नेचर है फ्लोटिंग और वो किससे लिंक्ड होगा, बैंक के बेस रेट से लिंक होगा। अब बात आती है डिसबर्समेंट की, आखिर कैसे डिसबर्स किया जाता है। तो अपफ्रंट डिसबर्समेंट होता है, किस केस में, यदि मान लीजिए कि कोई फ्लैट है या कोई हाउस है उस केस में अपफ्रंट डिसबर्समेंट होता है और बाकी केस में अपफ्रंट डिसबर्समेंट नहीं किया जाता है ठीक है। चलिए उसके बाद जो अगला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रीपेमेंट ठीक है। रीपेमेंट यानी कि जो बोरोवर है उसे जो पे करना है उसके लिए अवधि क्या है, कितना टाइम पीरियड बोरोवर को दिया जाता है कि वो जो लोन लिया है उसे रीपे कर सके। तो देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी है। सबसे पहला है हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा लचीलापन यहाँ दिया गया है। वो क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर्स ठीक है, और 30 ईयर्स के अंदर मॉरिटोरियम पीरियड भी इंक्लूडेड है। ये सबसे सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जहाँ तक बात है कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन वाले केस में मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड जो है वो है 18 मंथ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा मोरिटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो कंस्ट्रक्शन वाले केस में मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड कितना है दोस्तों, वो है 18 मंथ। और जहाँ तक परचेज की बात है दोस्तों, परचेज वाले केस में जो मोरिटोरियम पीरियड है वो है 3 मंथ। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लोन है, जो होम लोन का हम लोग बात कर रहे हैं, उसका जो रिपेमेंट होगा वो रिटायरमेंट के डेट से पहले हो जाना चाहिए इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन। मतलब कोई यदि सैलरीड पर्सन है तो उन्हें जो लोन का रिपेमेंट है वो उनके रिटायरमेंट डेट से पहले करना होगा, या बिफोर अटेनिंग 65 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ अदर्स। और दूसरों के लिए वो एज लिमिट कितना है, 65 ईयर्स है। चलिए ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी हमारे होम लोन से रिलेटेड। अब इतना सफिशियंट है, हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा क्वांटम ऑफ लोन ठीक है, फिर देखा हमने नेट टेक होम पे, फिर हम लोगों ने देखा मार्जिन, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट, डिसबर्समेंट, रिपेमेंट ठीक है। रिपेमेंट ये हमारा फाइनल था। अब हम लोग अगले लोन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो रिटेल एसेट प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑटो या व्हीकल लोन। सेम पैरामीटर रहेंगे जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन एलिजिबल होते हैं ऑटो या व्हीकल लोन लेने में। देखिए कौन एलिजिबल नहीं होते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एलिजिबल नहीं होते हैं ठीक है। और जहाँ तक बात है नॉन रेजिडेंट इंडियन की, जिसे हम लोग शॉर्ट में NRI कहते हैं, तो उन्हें जो एडवांस दिया जाता है यानी कि उन्हें जो क्रेडिट एडवांस दिया जाता है वो जॉइंटली दिया जाता है रेजिडेंट इंडियन के साथ। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पूछा जाए कि क्या नॉन रेजिडेंट इंडियन एलिजिबल हैं ऑटो या व्हीकल लोन के लिए, तो हाँ एलिजिबल हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनको ज्वाइंट कंडीशन में दिया जाएगा विद रेजिडेंट इंडियन। अब देखते हैं टाइप ऑफ एडवांस कैसा होता है। तो ये जो एडवांस का टाइप होता है वो होता है टर्म लोन ठीक है। क्वांटम देख लेते हैं कितना क्वांटिटी में दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने होम लोन में देखा था कि उसका कोई अपर सीलिंग नहीं था, वैसे यहाँ भी है कि नया व्हीकल के लिए कोई अपर सीलिंग नहीं है। हाँ अगला टॉपिक है हमारा नेट टेक होम पे ठीक है दोस्तों। तो नेट टेक होम पे भी यहाँ पे वही है 40 से 50% ऑफ ग्रॉस का 40 से 50%।
अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन में हम लोगों ने होम लोन के केस में देखा था कि मार्जिन अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था, जैसे जैसे अमाउंट का वैल्यू बढ़ रहा था तो वैसे वैसे हमारा मार्जिन अमाउंट क्या हो रहा था, वो भी बढ़ रहा था। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यदि मान लीजिए न्यू व्हीकल खरीदना है तो मार्जिन जो है 10% देना होगा, यानी कि जो बोरोवर है जो लोन ले रहा है उसे 10% उस अमाउंट को पे करना होगा एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। उसके बाद सेकेंड हैंड जो है उस केस में 25-30% मार्जिन है, टू व्हीलर के केस में 10% मार्जिन है। तो ये तीन कंडीशंस हैं मार्जिन से रिलेटेड। तो मार्जिन किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है कि व्हीकल का नेचर क्या है, नया है या सेकेंड हैंड है या वो टू व्हीलर है या किस तरह का है। चलिए जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो देखिए सिक्योरिटी इस रूप में किस रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे हाइपोथिकेशन के बारे में, ठीक है। हाइपोथिकेशन एक तरह का सिक्योरिटी इंश्योर करने का एक मेथड है जो कि बैंक अडॉप्ट करती है। तो हम लोग करते क्या है कि व्हीकल्स का हाइपोथिकेशन करते हैं, ठीक है, और वो बैंक फाइनेंस के वो जो है टू बी परचेज आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। और इसका जो चार्जेस होता है सिक्योरिटी का जो चार्जेस होता है वो हमें रजिस्टर्ड कराना होता है आरटीओ ऑफिस के साथ, ठीक है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वो एनआरआई को लोन दी जा रही है, जैसा कि हमने बताया था एनआरआई को लोन मिलती है जो व्हीकल लोन है, लेकिन उसके ज्वाइंट बनाना पड़ता है, तो उसमें ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी गारंटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। यदि किसी एनआरआई को आप ये पार्टिकुलर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो, यानी कि ऑटो या व्हीकल लोन। अब बात करते हैं मॉरिटोरियम पीरियड की। जैसा कि हम लोगों ने देखा था हाउसिंग लोन के केस में मॉरिटोरियम पीरियड अलग अलग था। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉरिटोरियम पीरियड जो था कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज के लिए अलग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल के लोन के केस में नया व्हीकल हो, यदि नया व्हीकल फोर व्हीलर है तो हम लोग मॉरिटोरियम पीरियड की बात कर रहे हैं। मॉरिटोरियम पीरियड इसमें होता ही नहीं है दोस्तों, नो मॉरिटोरियम, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता है इसमें। जहाँ तक बात है रीपेमेंट की, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हाउसिंग लोन में काफ़ी ज़्यादा पीरियड दिया गया था रीपेमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि यदि फोर व्हीलर है तो मैक्सिमम 7 ईयर और यदि टू व्हीलर है तो 5 to 6 ईयर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे कम टाइम ही दिया जाता है। और यदि कोई कॉर्पोरेट आइटम्स है तो मैक्सिमम 5 ईयर दिया जाता है और सिर्फ सेकेंड हैंड आइटम के लिए मैक्सिमम 3 ईयर दिया जाता है। और फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं डिसबर्समेंट को, आखिर डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है। तो जो डीलर हैं या जो सप्लायर हैं उन्हें डायरेक्टली पैसा उनके उनके अकाउंट में दे दिया जाता है, और जो इनवॉइस या रिसिप्ट होता है वो उनसे ले लिया जाता है अपने अपने रिकॉर्ड के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने आज डिस्कस किया दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग एसेट को, और जिनमें से पहला था होम लोन और दूसरा था हमारा व्हीकल लोन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन और भी दो तीन तरह के लोन हैं जो कि हमारे जो मैकमिलन बुक में वो दिए गए हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है सीआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए।
फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी आई वी एन सी आई वी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग रिटेल बैंकिंग का यूनिट 6 और यूनिट 7 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यूनिट 7 का जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी अपने इस प्लेलिस्ट में, रिटेल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने होम लोन और एजुकेशन लोन के बारे होम लोन और व्हीकल लोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वो ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ, दो लोन और बचे हुए थे, एक एजुकेशन लोन थे, एक पर्सनल लोन थे, और कुछ पार्टिकुलर चीज थे होम लोन के बारे में भी, जिसे आज मैं डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं यूनिट 6 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि बेस्ड है क्रेडिट स्कोरिंग पे। दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग टॉपिक काफी छोटा टॉपिक है, इसीलिए इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने यूनिट 6 को, जो कि बेस्ड है क्रेडिट स्कोरिंग पे। तो ये क्रेडिट स्कोर का जो वैल्यू होता है वो उसका रेंज है। मिनिमम वैल्यू है 300, मैक्सिमम वैल्यू है 900। तो 300 से के 9 से 900 के बीच में ये वैल्यू रहता है। क्रेडिट स्कोर किन किन चीजों पे बिल्ड होता है? डिफॉल्ट पे बिल्ड होता है, क्योंकि जो जिन्होंने लोन लिया है वो डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा है पेमेंट बिहेवियर, उनका पेमेंट का क्या बिहेवियर है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रीवियस इंक्वायरीज या प्रीवियस सर्चेस, ठीक है, उनका प्रीवियस, उन्होंने पहले किस कैसा लोन लिया था, किससे लोन लिया था। तो ये तीन चीज है जिसपे क्रेडिट स्कोर डिपेंड करती है। अब देखिए, हम लोग जरा ये समझते हैं कि हमारे भारत में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन से हैं, यानी सीआईसीज। सीआईसी क्या होती है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज चार हैं, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। वो क्या क्या नाम है उन चारों का, देखिए। पहला है ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, दूसरा है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा है सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चार ऐसे कंपनीज हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा। चलिए अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सिविल वेबसाइट, अराउंड 90% ऑफ द लोन एप्लीकेंट्स विद सिविल स्कोर ग्रेटर देन 700 आर अप्रूव फॉर लोन। देखिए, सिविल के वेबसाइट से क्या जानकारी मिली है कि वैसे वैसे लोन लोन एप्लीकेंट, ठीक है, जिनका सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है, उसमें से 90% को जो है लोन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है दोस्तों। तो 700 से ऊपर सही माना जाता है। तो ये हमारा ये डाटा हमें मिली है सिविल के वेबसाइट से। उसके बाद देखिए दोस्तों, द कंट्रोल नंबर इज अ 9 डिजिट यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम सीआईसी डाटाबेस। तो दोस्तों, क्या लिखा गया है कि सीआईसी के डाटाबेस से यदि आपको किसी इंडिविजुअल का क्रेडिट रिपोर्ट को ट्रैक करना है, तो उसके लिए कौन सा नंबर है? तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर है वो कहलाता है कंट्रोल नंबर। वो एक 9 अंक का नंबर होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं सीआईसी के डाटाबेस से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 6, जो कि बेस्ड था क्रेडिट स्कोरिंग पे। अब हम लोग यूनिट 7 को कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले से बता दूं आप लोगों को कि यूनिट 7 बेसिकली है इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स में मैंने हम लोगों ने दो एसेट प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। देखिए, एसेट प्रोडक्ट है, यहाँ लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही है। साफ साफ क्वेश्चन चैप्टर में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो एसेट में हमारा लोन ही तो आएगा बैंक के परस्पेक्टिव में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने दो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, एक था हमारा हाउसिंग लोन और दूसरा था हमारा दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हीकल लोन्स के बारे में। अब वो आपको उसका लिंक आपको हमारे सीआईबी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। आज हम लोग उसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ट एजुकेशन लोन पे। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है क्वांटम ऑफ लोन। तो एजुकेशन लोन का जो क्वांटम ऑफ लोन है वो है मैक्सिमम अप टू 10 लाख इन इंडिया, ठीक है। यदि भारत में लेना है तो 10 लाख, और फिर यदि विदेश में लेना है तो 20 लाख, लेकिन इसके ऊपर भी मिलता है, कुछ कुछ शर्तें हैं उसके लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्या है मार्जिन। देखिए, मार्जिन क्या है, मार्जिन अप टू 4 लाख। यदि 4 लाख तक का, 4 लाख तक के लोन में कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख के ऊपर के लोन में भारत में 5% मार्जिन है और अब्रॉड में 15% मार्जिन है। अब देखिए, इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है कि 7.5 लाख तक का लोन वो जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंदर आता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, स्कॉलरशिप को जो को भी जो है मार्जिन में इंक्लूड किया जाएगा। और देखिए कौन कौन से एलिजिबल एक्सपेंस हैं। तो एक तरफ हमने एक्सपेंस लिखे हैं, एक तरफ हमने उसके मैक्सिमम वैल्यू लिखे हैं। सबसे पहले ट्रैवल एक्सपेंस, मनी फॉर स्टडी अब्रॉड, तो ये वन वे है। दूसरा है हमारा कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट। तो इसका नियम क्या है कि ये 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, किसका, तो टोटल ट्यूशन फी का, यानी कि जो भी ट्यूशन फी है उसके 10% से ज्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है हमारा परचेज ऑफ बुक, इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म, प्रोजेक्ट्स।
तो इसके लिए क्या कहा गया है, रिलायबल असेसमेंट इज मेड बाय बैंक। तो बैंक क्या करती है कि एक असेसमेंट बनाती है, रिलायबल असेसमेंट बनाती है, और तब वो मैक्सिमम 20% फिक्स करती है। किसका? तो टोटल ट्यूशन फी का, टोटल ट्यूशन फी का 20% ये बैंक फिक्स करती है मैक्सिमम। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो 4 लाख तक में कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ पेरेंट्स को ज्वाइंट बोरोवर होना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि 4 लाख से 7.5 लाख के बीच का है लोन, तो उस केस में क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल थर्ड पार्टी गारंटी विल बी टेकन, ठीक है। थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में कोलेटरल सिक्योरिटी को लिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि थर्ड पार्टी गारंटी विल बी वेव्ड ऑफ, उसको उसको भी वेव कर दिया जाएगा, थर्ड पार्टी गारंटी को भी वेव कर दिया जाएगा यदि लोन जो है वो एलिजिबल है क्रेडिट गारंटी कवरेज में। तो देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट गारंटी कवरेज में यदि एलिजिबल है तो हम लोग थर्ड पार्टी गारंटी को भी वेव ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए तीन कैटेगरी में हमने बांट दिया, एक है वो जो कि 4 लाख से कम का लोन है, एक है जो कि 4 से 7.5 के बीच का लोन है, और एक है जो कि 7.5 से भी ऊपर है। तो यदि 7.5 से ऊपर है तो क्या कहा गया है कि टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी विद द असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो उसमें क्या कहा गया है कि कोलेटरल सिक्योरिटी लिया जाएगा जो कि टेंजिबल होगा, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा कि मान लीजिए कि जिस स्टूडेंट के नाम पे वो लोन लिया जा रहा है उसका जो फ्यूचर इनकम होगा उसका असाइनमेंट करा लिया जाता है, ठीक है, कि वो इंस्टॉलमेंट में उसे पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो जो है MCLR से लिंक होता है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट से लिंक होता है हर एक इंडिविजुअल बैंक का। उसके बाद दोस्तों रिपेमेंट की बात करते हैं, तो रिपेमेंट में आप लोग को मोरेटोरियम पीरियड जो है वो क्या है कि कोर्स पीरियड तक तो इंटरेस्ट नहीं पे करना है, साथ ही साथ 1 साल का और समय दिया जाता है। प्रोविजन फॉर 1 ईयर प्रोविजन फॉर मोरेटोरियम टेकन इन टू अकाउंट पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पीरियड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 6 मंथ का और उसमें प्रोविजन है कि उसमें और टाइम दिया जाता है। और दोस्तों EMI और इंस्टॉलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 साल, तो जो EMI में पेमेंट होगा वो 15 साल तक वो कर सकते हैं पेमेंट। चलिए यदि मान लीजिए प्री पेमेंट वो करना चाह रहे हैं तो कोई पेनल्टी है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। इफ इफ द स्टूडेंट वांट टू पे द फी प्री, सो देर इज नो पेनल्टी। एंड इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? तो इंश्योरेंस मैंडेटरी टू अरेंज फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों हाउसिंग लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नो जनरल रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ हाउसेस ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। हाँ ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक इंडिविजुअल को कितना हाउस खरीदना है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है। दोस्तों PMAY के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों PLI क्या होता है? प्राइमरी लिंक्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसके अंदर कौन से होते हैं? बैंक्स आते हैं, NBFCs आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड MFI। तो ये तीनों के तीनों एलिजिबल हैं ये लोन देने के लिए, यानी कि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो इसमें कौन लैंड करते हैं? इसका नाम है PLI प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो PLI को क्या करना होता है कि उनको MOU के साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? तो सेंट्रल नोडल एजेंसीज के साथ, ठीक है। PLI को इंटर करना पड़ता है MOU किसके साथ? तो सेंट्रल नोडल एजेंसी के साथ। अब ये सेंट्रल नोडल एजेंसी क्या है? तो देखिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एक है NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में। तो बेसिकली जो हमारे PLI हैं उन्हें इन्हीं दोनों के साथ MOU में जाना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो पर्सनल लोन में पर्सनल गारंटी ही सिक्योरिटी के रूप में होता है, और इसमें जो एडवांस होते हैं वो या तो 3 तरह के होते हैं, उसका नेचर या तो डिमांड लोन होगा, या तो टर्म लोन होगा, या तो ओवरड्राफ्ट होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। 3 ही रूप में मिलता है, या तो डिमांड लोन होगा, या टर्म लोन होगा, या वो ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक है दोस्तों। जहां तक बात है रिपेमेंट की, तो हमारा 2 तरह का लोन है, एक है सिक्योर्ड लोन और एक है अनसिक्योर्ड लोन। तो यदि अनसिक्योर्ड लोन की बात है तो उसमें 36 से 60 EMI जनरली होता है, और यदि सिक्योर्ड लोन है तो उसमें मैक्सिमम 60 EMI दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जितने तरह के पॉसिबल इंपॉर्टेंट रियल एसेट प्रोडक्ट थे हम लोगों ने दोनों वीडियो में कवर कर लिए, और साथ ही साथ क्रेडिट स्कोरिंग टॉपिक को भी देख लिया। यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इसका पेड PDF मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और दोस्तों यदि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।